नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मिजोरम भारत का एक ऐसा राज्य है जहां के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं और यहां पे हिंदुओं की मात्रा बहुत ही कम है। तो आज मैं बताने वाला हूं मिजोरम के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते। दोस्तों, मिजोरम भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित एक छोटा सा राज्य है जहाँ का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ियों से घिरा है और मिजो भाषा में मिजोरम का मतलब होता है पहाड़ियों में रहने वाले लोगों का प्रदेश। मिजोरम के ज्यादातर लोग पहाड़ियों में रहने वाले एक संप्रदाय से आते हैं जिनको वहाँ पे कुकीज कहा जाता है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में स्थित होने की वजह से यहाँ पे इन दोनों देशों से आए हुए शरणार्थियों का काफी दबाव होता है। किसी एक जमाने में मिजोरम आसाम का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भारत को आज़ादी मिलने के बाद मिजोरम को आसाम से अलग कर एक अलग राज्य बना दिया गया। मिजोरम का ज्यादातर शहर पहाड़ियों के ऊपर होने की वजह से इसे देखने में काफी खूबसूरत लगता है। मिजोरम भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है और यहाँ की कुल आबादी सिर्फ 10 लाख है। अगर महिला की खूबसूरती के हिसाब से देखा जाए तो मिजोरम की महिलाएं भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सबसे खूबसूरत होती हैं और यहाँ के सांस्कृतिक पहनावों में इन महिलाओं को देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मिजोरम भारत के दक्षिण पूर्व के सबसे दक्षिण में होने की वजह से रेलवे नेटवर्क कुछ खास जुड़ नहीं पाया। मिजोरम के बैरवी में एक रेलवे नेटवर्क बनाया गया जिसको कि सामान ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करा जाता है और ट्रेन से कहीं जाने के लिए यहाँ के लोग आसाम के सिलचर स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। मिजोरम भारत का सबसे बड़ा बांस का उत्पादक है और यहाँ के लोग बांस को इस्तेमाल कर हाथों से काफ़ी खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं जो बहुत ही आकर्षणीय होता है। लेकिन इन बांसों से एक परेशानी ये भी होती है कि यहाँ पे चूहों का काफ़ी दबदबा होता है जो कि यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का विषय है। मिजोरम के ज़्यादातर लोग ईसाई होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी मात्रा में मांस खाया जाता है, लेकिन यहाँ के लोग ज़्यादा मसालेदार खाना खाना पसंद नहीं करते। मिजोरम में हर साल चपचुरकुट फेस्टिवल होता है जो बाहर से आए हुए टूरिस्टों के लिए काफ़ी आकर्षणीय माना जाता है और यह यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध उत्सव है। अगर आदमी प्रति इनकम के हिसाब से देखा जाए तो मिजोरम भारत के राज्यों में से 15 नंबर पर आता है, लेकिन रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम के लगभग 15-20% लोग अभी भी गरीबी का शिकार हैं। एक बात शायद आपको चौंका दे कि मिजोरम में शिक्षित की मात्रा लगभग 92% से अधिक है और शिक्षा के मामले में यह भारत में केरला के बाद दूसरे नंबर पर आता है। मिजोरम के ज़्यादातर लोग दो भाषाओं में बात करते हैं और मिजो भाषा को छोड़ यहाँ के ज़्यादातर लोग इंग्लिश भी बोल सकते हैं। मिजोरम की लगभग 88% आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है और यहाँ का दूसरा बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है। मिजोरम का पलक लेक यहाँ का सबसे प्रसिद्ध लेक माना जाता है। मिजोरम का राजधानी आइजोल है जिसे बहुत ही एक खूबसूरत शहर माना जाता है और यहाँ की लड़कियाँ काफ़ी मॉडर्न होती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा नहीं लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं क्यों अच्छा नहीं लगा।